आई कुसुम सहारे फाउंडेशन के तत्वावधान से पूर्व नगर सेवक नागेश सहारे द्वारा विगत 17 सालों से भव्य फुटबॉल स्पर्धा का आयोजन किया जाता है। उसी प्रकार से इस साल भी नागपुर स्थित रेशिमबाग मैदान में फुटबॉल स्पर्धा का आयोजन किया गया, जहां शहर की नामचीन फुटबॉल टीमों ने शिरकत की है। नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, बौद्धिक विकास के साथ ही खेलकूद काफी आवश्यक है, जिसके तत्वावधान से आई कुसुम ताई फाउंडेशन के तत्वावधान से यहाँ भव्य फुटबॉल स्पर्धा का आयोजन किया गया है। आप देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से रेशिमबाग मैदान में ये समा बना हुआ है, यहाँ क्रीड़ा प्रेमी उपस्थित है और फुटबॉल का सामना यहाँ चल रहा है। गौरतलब है कि विगत 17 सालों से पूर्व नगर सेवक नागेश सहारे द्वारा उनकी मातोश्री आई कुसुम सहारे की स्मृति प्रीत्यर्थ यह आयोजन किया जाता है, जहां आसपास के सभी खिलाड़ी स्पर्धा में हिस्सा लेते हैं, जिसके चलते यह शहर के खिलाड़ियों के लिए त्योहार से कम नहीं होता है, क्योंकि बौद्धिक विकास के साथ ही शारीरिक विकास भी काफी आवश्यक है। ऐसी भावनिक प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व नगर सेवक नागेश सहारे ने इस आयोजन के विषय में जानकारी दी। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व नगर सेवक नागेश सहारे, जो कि अपनी माताश्री की पुण्यतिथि की याद में यह पुण्यतिथि की स्मृति में यह भव्य आयोजन करते हैं। विगत 17 सालों से आयोजन हो रहा है। आइए जानते हैं उनकी भावनाएं कि आखिर उनको क्यों लगा कि फुटबॉल क्या यह सामना यहाँ लेना चाहिए। विगत 17 सालों से आयोजन हो रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या प्रतिक्रिया है आपकी और क्या भावनाएं आप बोलना चाहेंगे? आप अपनी मातोश्री की पुण्यतिथि के अवसर पर यह आयोजन कर रहे हैं। अभी ये जो टूर्नामेंट चालू है, ये 17वां साल है। आई मेरे मम्मी के माध्यम से उनके स्मृति प्रीत्यर्थ ये टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है और नागपुर शहर और नागपुर ग्रामीण के सभी यहाँ पे खिलाड़ी आए हुए हैं, यहाँ पे स्पर्धक भाग लेने वाले, और इतना ज़्यादा प्रतिसाद है कि आप खुद देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे आई हुई है। और हमारा उद्देश्य ये है कि खिलाड़ियों को अपने इस माध्यम से एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। ये माध्यम से हम लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म उपलब्ध किया करते हैं। हम अनेक खेलों के माध्यम से हम लोग आई फाउंडेशन अनेक कार्यक्रम उपक्रम चलाते हैं। हम लोग विगत 17 सालों से आप ये कार्यक्रम चला रहे हैं, इस साल किस प्रकार का प्रतिसाद है? मेरे ख्याल से 90-100 के आसपास यहाँ पे टीम का यहाँ पे निश्चित हुआ है और 1 तारीख से टूर्नामेंट का आयोजन चालू है। आज का 11वां दिन है और 20 तारीख को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम होने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पे नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से शौचालय की एक टीम है, शौचालय की गाड़ी है, एक एम्बुलेंस है और रोज कर्मचारी पूरा ग्राउंड की साफ सफाई करते हैं, तो हमें उनका भी सहयोग मिलता है। खेलकूद का यह त्योहार स्थानीय खिलाड़ियों के लिए काफी आवश्यक है, जिससे कई खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेंगे और ऐसा आयोजन होना काफी आवश्यक है। ऐसी प्रतिक्रिया इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अब्दुल खालिद ने दी है। दर्शकों, फुटबॉल के क्षेत्र में अपना परचम लहराने वाले अब्दुल खालिद भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि विगत 17 सालों से चल रहे इस आयोजन के बारे में उन्हें क्या लगता है। क्या लगता है, ये आयोजन विगत 17 सालों से आप देख रहे हैं किस प्रकार से होते हैं? ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए और ये हो रहा है, काफ़ी अच्छा आयोजन है। देखा जाए तो जिस तरीके से फुटबॉल को प्रमोट कर रहे हैं, अगर ऐसा ही सब नागपुर में हर क्षेत्र में यानी एक एक एरिए में अगर ऐसा फुटबॉल हो, तो मैं समझता हूँ कि नागपुर में और भी ज़्यादा फुटबॉल का क्रेज हो सकता है। दर्शकों, बहुत बड़ा मजमा यहाँ उपस्थित हो चुका है रेशिमबाग मैदान में, इतना बड़ा भव्य फुटबॉल आयोजन है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एनएफसी के कोच, जिनसे हम जानेंगे कि इस आयोजन के बारे में उन्हें कैसा लगता है। क्या लग रहा है आपको सर, इतना बड़ा आयोजन विगत 17 सालों से हो रहा है, क्या है आपकी भावनाएं प्रतिक्रिया है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बहुत पब्लिक है और मैच भी बहुत बढ़िया हो रहा है, अच्छा टूर्नामेंट हुआ है। और क्या करना चाहिए ऐसा लगता है, प्लेयर्स ने खेलना चाहिए, क्या प्रतिक्रिया इस बारे में दिया? नहीं, ग्राउंड जरा यदि घास का रहे और गोड से ही खिलाए तो अच्छा है, स्टार्ट से ही खेले तो। दर्शकों, अच्छे खेल के लिए अच्छा मैदान होना आवश्यक है, ये भी कहीं ना कहीं संदेश इन जिनसे हमने बात की इन्होंने दिया है। कहीं ना कहीं अच्छा ग्राउंड होना भी आवश्यक है और आशा है कि महानगरपालिका भी इस ओर कहीं ना कहीं ध्यान देगी।
इस प्रकार से हमने देखा कि रेशम बाग ग्राउंड पर आई कुसुम सहारे फाउंडेशन के तत्वावधान से ये यहाँ फुटबॉल स्पर्धा का भव्य आयोजन किया गया है। नागेश सहारे जो कि पूर्व नगर सेवक है महानगर पालिका के, जिनसे हमने बात की और उन्होंने बताया कि खेल कूद काफ़ी आवश्यक है, उसी के तत्वावधान से उसी के उद्देश्य से इस आयोजन को विगत 17 सालों से किया जा रहा है। तो इसी के साथ बोलते हैं, खेलेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मैं मनीष टिमरी, NBC News के लिए नागपुर।